Daily Bulletin is presented by Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government ETI, Darga Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। आपको बता दें कि बांग्लादेश से भी आपको ये खबर ला रहे हैं, जैसे कि हमने कल बताया था आपको, आज भी ये प्रोटेस्ट जारी है, नेशन वाइड कर्फ्यू हो चुका है, मिलिट्री जो है डिप्लॉय की गई है ऑर्डर बरकरार रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट को जो कोटा का जो मसला चला, जॉब कोटा का चला, उसको चलते स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट अलग अलग जगहों पर निकाले हैं, और उसी की वजह से अब तक मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आपको 39 के करीब, उसके बाद 69 हो गया, अब 105 लोग इसमें मारे जा चुके हैं। उसके सीधे खबर आपको मिलाते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि भले ही वाकया गुजरात का, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है कि आप देख सकते हैं क्लासरूम में क्लास चल रही है, 12:30 का टाइम है, और अचानक से वॉल कोलैप्स हो जाती है। ये वॉल एकदम से गिर जाती है, ऐसा कोई जो है चीर नहीं आ रही, उसके अंदर तड़क नहीं आ रही, एकदम से पूरी की पूरी वॉल गिर जा रही है। इसमें एक बच्चा काफी सीरियसली इंजर्ड हो चुका है, जिसके सर पर मार पड़ा है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से दीवार गिरी है, उसके साथ साथ 3-4 बच्चे भी साथ में गिर चुके हैं। मेरी एडवाइस यही है कि वाकया गुजरात के काफी पॉपुलर स्कूल का है, नारायण विद्यालय का, लेकिन समझने की बात यह है कि ऐसे कैसे ये इतना बड़ा जो है फ्लॉ आ गया है। आपको बता दें कि आप लोग भी जो बिल्डिंग में रह रहे हैं या फिर आसपास की कोई बिल्डिंग है, पानी की वजह से भी मेरा जो मानना है कि नमी पकड़ने से भी बाज़ और दीवारें नरम हो जाती हैं, और ऐसे में हल्के से धक्के से भी दीवार जो है गिर सकती है। तो प्लीज़ क्लासरूम स्कूल्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अपने अपने क्लासरूम्स को एक बार फिर से रिवाइंड कर दें, रीचेक कर लें, ताकि ऐसा हादसा कहीं पर भी ना हो। उसके बाद बड़ी खबर आपको ला रहे हैं, इंडिया से बॉम्बे हाई कोर्ट का आया बड़ा बयान, UAPA यानी कि जो टेररिस्ट एक्ट जो लगाई जाती है उस पर एक नया प्रोविजन डाला गया है दाऊद इब्राहिम को चलते हुए। दाऊद इब्राहिम अगर एक गैंगस्टर है तो वो अपने आप में है, टेररिस्ट गैंग या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अगर कोई संबंध रखा है या उनसे कोई ट्रांजेक्शन किसी का कुछ हुआ है तो वो UAPA में नहीं आएंगे, ना ही उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इस तरह की बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई। अल मिसर टूर्स एंड ट्रेवल्स का 15 दिन का अगस्त डिलक्स उमरा पैकेज, डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस, फर्स्ट ग्रुप है डिपार्चर 10 अगस्त को और दूसरा ग्रुप है डिपार्चर 18 अगस्त को। पैकेज आ रहा है 92,000 रुपीज में। कॉन्टेक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद को या फिर विजिट करें स्क्रीन पर एड्रेस पर। उसके बाद एक अफसोस भरी खबर ला रहे हैं इंटरनेशनल, जहां पर 4 लोगों की फैमिली जो है जो केरला से बिलोंग करती है, उनकी मौत हो चुकी है एक फायर एक्सीडेंट में, जहां इंडियन मिशन रिपेट्रेटिंग जो है मोर्टल रिमेंस यानी कि उनकी डेड बॉडीज को इंडिया में अब लाया जा रहा है। आपको बता दें ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है एक रेसिडेंस की फ्लैट में कुवैत में। मिस्टर मैथिस मुलक्कल और उनकी वाइफ और 2 बच्चे इस आग की चपेट में आ गए, जो कि फ्लैट था उनका अबसिया एरिया में यस्टरडे नाइट। एम्बेसी ने जल्द से जल्द उनके टच में आया, लेकिन आग जो है इसकी जो वजह जो बताई जा रही है, बताया जा रहा फ्राइडे नाइट को इंसिडेंट हुआ, विक्टिम्स को मैथ्यू मुजक्कल, लिनी अब्राहम, चिल्ड्रन इसाक एंड एरिन थे जो कुवैत के लिए चले गए, उनका वेकेशन खत्म हो गया था, कुवैत को वापस आ गए थे, पिछले 15 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी वाइफ नर्स थी और बच्चे यहीं पर पढ़ रहे थे। वेकेशन से आने के बाद स्कूल स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उसी बीच इनकी ऐसी मौत हो चुकी है। फायर जो है शॉर्ट सर्किट से हुआ एसी के रूम में, यानी एसी जहाँ पर लगे हुए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, शॉर्ट सर्किट के लिए प्लान अप करें, आग लग रही है तो एस्केप प्लान कहाँ पर है उसको भी थोड़ा ध्यान रखें। अब तक इससे पहले भी ऐसी बिल्डिंग, आपको मैंने बताया बुलेटिन देखने वालों याद होगा आप सबको कि 40 इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स इससे पहले एक बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद कर्नाटक की आपको अहम खबरें मैं बताता हूँ। कर्नाटक में आपको बता दें
बीजेपी लीडर एनआर रमेश ने लोकायत्ता ऑफिस को पहुंचकर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ही जो है उन्होंने फाइल की है एलिगेशन। आप बता सकते हैं जब हाथ में फाइल्स पकड़े, इतने सारे फाइल्स को लेते हुए वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं मुडा स्कैम इशू पर। आर अशोका लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी इस बारे में बात की है कि क्यों डिले हो रहा है ये प्रॉब, एक किस स्कैम है जो बताया जा रहा है बीजेपी रूल में लगाए गए थे और अब पिछले 15 महीने से अब ये स्कैम को क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आप इस तरह की बात बताई जा रही है और देखना होगा कि ये क्या होगा। अब देखना होगा कि सिद्धरामैया इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और सिद्धरामैया लेड गवर्नमेंट जहां पर 186 करोड़ का स्कैम हुआ कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि की शेड्यूल ट्राइब्स की, उस पर क्या वो कहेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट एग्जाम को चलते हुए आपको बता दें कि अनाउंस कर दिया है सेंटर की तरफ से और सिटी वाइज रिजल्ट आएगा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का। जहां जो काफी दिनों से जो भागदड़ चली थी, जो स्कैनर चला था, इरेगुलरिटीज थी, जो लोग पकड़े जा रहे थे, अब जो 5 जून को जो अनाउंसमेंट हुआ था अब ये बताया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, 22 जुलाई को सभी जो प्लीज हैं कैंसिलेशन के, रीटेस्ट के और कोर्ट को मॉनिटर करने के लिए जो कह रहा है एलिगेशन के, वो सारे सुनने वाला है, लेकिन रिजल्ट अब बाहर आ जाएगा। कर्नाटका के एक ऑफिसर ने लोकायुक्ता की जैसी रेड पड़ने वाली थी, जैसे दरवाजे पे खटखट हो गया, उन्होंने हड़बड़ाते हुए बाजू वाले घर पर फेंक दिया है एक थैला। जी हाँ, इस थैले में है क्या, 2 किलो गोल्ड। 2 किलो गोल्ड बाजू वालों की, यानी कि भाई ऐसा समझिए आप, मैं आपका नेबर हूँ और मेरे घर पे जो है अचानक से 2 किलो गोल्ड गिरता है, तो लोग समझेंगे कि बारिश हो रही है सोने की, लेकिन ये बैग में जो 2 किलो गोल्ड मिला वो रिकवर किया गया लोकायुक्ता ऑफिसर की तरफ से। और आपको बता दें कि अत्तर अली जो कि डिप्टी कंट्रोल है लीगल मेट्रोलॉजी के, उन्होंने ये जो है रेड कंडक्ट की है और ऑफिसर को नॉक करने के बाद आइडेंटिटी उनकी छुपाई गई है फिलहाल कोर्ट के वारंट को चलते हुए। और डोर जो है ओपन नहीं करने के बाद लोकायुक्ता पुलिस ने घर को पूरा घेर लिया। उसके बाद जैसे उनको दिखा कि नेबर के घर के कंपाउंड में कुछ वहां पर फेंका गया, तो गोल्ड चेन्स वहां पर थे, ऑर्नामेंट्स थे और अत्तर अली अक्यूज्ड हैं, उन्होंने प्रॉपरली से पैक नहीं किया था और ये चीज़ें सारे पकड़े गए। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरद टॉवर्स, एम एस के मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक, अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद कर्नाटक से यादगिरी डिस्ट्रिक्ट की आपको खबर ला रहे हैं, जहां पर 53 रेसिडेंट्स को वॉमिटिंग और डायरिया हुआ है मुदनूर बी विलेज में, जहां पर आपको बता दें कि साफ पानी नहीं मिलने की वजह से 15 बच्चे इसमें शामिल, जनता कॉलोनी की बात हम करें, शोरापुर तालुका यादगिरी डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग हुई है, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर पीने। फिलहाल तो पानी पर इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन पानी के सैंपल ले चुके हैं। कॉलोनी में कुल मिला के 225 घर हैं और देखना ये होगा कि पानी ही इस चीज के लिए जिम्मेदार है। गुलबेगा से आपको बताते हैं कि भीमा रिवर को क्लीन रखने की कैंपेन की गई एनवायरमेंट की स्टूडेंट्स की तरफ से, ये कैंपेन काफी सक्सेसफुल, बड़े अच्छे मिशन पर ये सब निकले हैं, आगे देखते हैं। भीमा नदी के लिए कर रहे हैं जितना भी उसको, और उसके अंदर जो कलुषित हो रहा है ना पानी, और उसके लिए ना हम लोग कितना ही प्लास्टिक वगैरह यूज कर रहे हैं वो सब नदी में फेंक रहे हैं, और सभी लोग ना उसको हम लोग कम करना चाहिए, क्योंकि उससे नदी बहुत बहुत सारे से ना कम से वो पूरा प्लास्टिक की वजह से पूरा हो रहा है। वहाँ पे जो नारियल छोड़ रहे हैं और कपड़े छोड़ रहे हैं, इन सबसे ना नदी पूरा गंदा हो रहा है। संरक्षण उसके बाद आपको बता दें कि आज कई सारे अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम चल रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें जमीयत अहले हदीस की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया था बेटी बचाओ ईमान बचाओ, ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम है। जब हम ये बुलेटिन दे रहे हैं ये प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए उसकी चंद झलकियां आपके सामने हमने ला रखी है। उसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास बनने वाला है, आपके पास हम इसे जरूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि दरगाह हज़रत ख्वाजा मंदन नवाज़ गिस्सू राज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आपको बता दें कि मस्जिद वाले एरिया में एक स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है, जलसा रखा गया था, जिसमें खास वक्त देने के लिए अमीनुल कादरी जो है यहाँ पर मौजूद रहे। जहाँ पर आपको बता दें प्रोग्राम जलसा शहादत सैयदुल शहदा सैयदना इमाम हुसैन स्पेशल प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ पर हजरत अलामा मौलाना अलहाज सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला निगरान से दावत इस्लामी मालेगांव ने खिताब किया है। ये प्रोग्राम में जब हम बुलेटिन देख रहे हैं ये प्रोग्राम भी चल रहा है, इसके भी हम चंद विजुअल्स आपके सामने रखें, इसका भी डिटेल प्रोग्राम हमारे अगले बुलेटिन में दिया जाएगा। इस मौके पर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब जानशीन सदरनशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा मंदन नवाज़ गिस्सू राज़ रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ पर मौजूद रहे।
हमारा खास ब्लॉग भी शूट हो चुका है गोहैश एक्स्ट्रा चैनल को, आप लोग जैसा सपोर्ट गोहैश.in को दिए हैं वैसा ही सपोर्ट आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि गोहैश एक्स्ट्रा चैनल को भी दें, क्योंकि उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उसे क्लिक करें। मेरा जो स्पेशल ब्लॉग है, हफ्ते में एक ब्लॉग आएगा जहां पर मैं दिन भर की अलग अलग एक्टिविटीज को कवर अप करूंगा, 2 से 3 दिन का मिलाकर ये ब्लॉग रहेगा। तो ये ब्लॉग मैं स्कूल जा रहा हूं साथ में, और जाफरन रेस्टोरेंट को भी मैंने विजिट किया है, तो जरूर इस वीडियो को देखें। थॉट फॉर द डे इज प्रेजेंटेड बाय देसी गोल्ड प्योर चक्की आटा, हाइजेनिकली पैक्ड विद टचलेस प्रोसेस। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर करन एट 9591979745। आज का थॉट ऑफ द डे है, आई डोंट बिलीव इन फेलियर, इट्स नॉट फेलियर इफ यू एंजॉयड द प्रोसेस। यानी मैं फेलियर में बिलीव नहीं करता हूँ, इस तरह की बात कह रहे हैं ओपरा। यानी कि अगर आप अपने फेलियर को एंजॉय करते हैं, यानी कि आपको सुख सीख रहे हैं, तो आपको गम इस बात का नहीं होगा और आप कंटिन्यू करते रहेंगे। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसबा टूर्स एंड ट्रेवल्स, हज उमरा सर्विसेज, नियर पाकिजा, अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबेगा। ब्रिंजॉल के आज मैं बात करता हूँ, बैगन की बातें मत करो बल्कि बोलते हैं बैगन जो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए कि दिल के लिए बड़ा अच्छा है, एनीमिया से आपको प्रिवेंट करता है, बोन हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट देता है, और ब्रेन के लिए भी काफी अच्छा है। कॉमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय बेग न्यूरोसाइकियाट्री हॉस्पिटल एंड डी एडिक्शन सेंटर, डॉक्टर अब्दुल राफी मुख्तदिर बेग, MBBS, MD, साइकियाट्री कंसल्टेंट, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, अपोजिट गवर्नमेंट TTI, दरगाह रोड, STPT, 24/7 एमरजेंसी साइकियाट्री सर्विसेज। उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद शाहिद AS का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, वालेकुम सलाम। शेख बिलाल ने भी सलाम लिखा है, और बुरहान ने भी सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। गुलबेगा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट बहुत खराब लिख रहे हैं मोहम्मद जैक। ताहिर भाई अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, नजर से बचाए, हर बीमारी से दूर रखे, आमीन। थैंक यू सो मच शाहिद अहमद और मोहम्मद अयूब, दुआ के सबके लिए दुआ करिए भाई। मोहम्मद बेगम ने वेरी गुड जॉब लिखे हैं पुलिस के लिए। गुलबेगा कब स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा लिख रहे इंजीनियर रहमान। तुंगा डॉग की न्यूज सुनकर बड़ी खुशी हुई, इसने एक लेडी की जान बचाई, सोच कर देखा तो बहुत बड़ी बात है, कुत्ते हो तो ऐसे लिख रहे हैं सैयद सुलेमान, बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सैयद मोइन पटेल ने लिखा है डेली बुलेटिन गुड न्यूज तारे पर लिखे हैं, बेशक आपकी बात सही है मगर आउट ऑफ रिंग रोड बनेगी तो के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई भी कुछ सोचेगा, सभी को इस पे काम मिलेगा, लिख रहे मोहम्मद अयूब। तारे अब तक रेशन के पैसे नहीं आए हैं, लिख रहे हैं वसीम बेगम। तारे भाई टुंगा टू वॉज टू गुड, लिख रहे फारूक खान। जी हाँ, मैंने भी बहुत इंजॉय किया टुंगा टू का मामला। तारे भाई बिफोर टेलीकास्ट न्यूज क्रॉस चेक हागरगा एरिया रोड टू कंस्ट्रक्ट एज सून एज पॉसिबल, लिख रहे हैं तो प्रोसेस में है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। मोहम्मद गुलाब लिख रहे हैं मार्केट में कोई ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ ऑटो वाले की ट्रैफिक और किसी की ट्रैफिक नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं कि ये लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, लिख रहे हैं। मोहम्मद मंसूर तारे भाई आपने जो अंदाज से बोला है टुंगा की स्टोरी कोई फिल्म से कम नहीं थी, लिख रहे हैं। अच्छा, थैंक यू मोहम्मद मंसूर भाई, मुझे अच्छी दिखी स्टोरी इसलिए मैंने इस बारे में बताया। मोहम्मद अयाज लिख रहे हैं कि तारे भाई अक्सर फिल्मों में होता देखो कि मैंने आज रियल बताया, तारे भाई पुलिस इस हीरो, बिल्कुल सही कहा, 8-8 किलोमीटर जाके जो है इतना काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात। शमा फरहीन की आईडी से मैसेज आया है कि माय नेम इज अयान भाई, आई लाइक योर न्यूज, कीप इट अप, बहुत बहुत शुक्रिया अयान। अकबर खान ने गुड जॉब पुलिस, वी ऑल्सो इंटरेस्टिंग, लिख रहे हैं अकबर खान। इमरान कौशल लिख रहे हैं इस्लाम जिंदाबाद, एरिया नॉर्थ नहीं आता, लिख रहे हैं वो रोटवेलर फैमिली, एक टुंगा डॉग है और जो आवारे टुंगे हैं जो उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, मैं स्ट्रीट डॉग की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हबीब भाई, स्ट्रीट डॉग एक तरफ अपनी जगह जो है लोगों काट के परेशान कर रहे हैं, और एक जो टुंगा है जो है लोगों की जान बचा रहा है। सैयद मुख्तार लिख रहे हैं थैंक्स कमेंट्स पढ़ने के लिए, बारिश हो रही, गंदगी बहुत हो रही, नए नए वायरस फैल रहे, कॉर्पोरेशन से अपील है कि हर एरिया में सैनिटाइज करें, बिल्कुल जितनी हो सकी हम कोशिश बोलकर उनको करा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरह डिपेंड नहीं होना चाहिए, लिख रहे मोहम्मद गयासुद्दीन। तारे हमको NAGDA प्लॉट खरीदना है, आप ही बोल के बोले थे ना, आप नंबर बोले तो हम कांटेक्ट करते हैं, मोहम्मद नईम लिख रहे हैं। तो नईम साहब आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9113542278, आपकी बात होगी वसीम अकरम से, वसीम अकरम को आप बोल दीजिए कि आपको रियल एस्टेट के रिलेटेड काम है, तो उसके हिसाब से हमारे डिपार्टमेंट से आपको कॉल आ जाएगा और आपको हमारे पास जो अवेलेबल साइट्स हैं वो साइट्स पूरे बताए जाएंगे। जिसके माँ घर का स्वाद ने भी लिखा है तारे प्लॉट खरीदना है NA और GDA, आप बताइए, तो बिल्कुल हम आपको गाइड करेंगे, आप अपनी मर्जी से आपके बजट के हिसाब से प्लॉट्स खरीद सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकते हैं। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchhale and Sons Cloth Merchants. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center. Opposite Government TTI, Dargah Road, STPT.